वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर मीन है, मीडियन है, मोड है, पार्टीशन वैल्यू है, पार्टीशन वैल्यू में परसेंटाइल है, डिसाइल है, क्वार्टाइल है, इसके बाद स्क्यूनेस है, कर्टेसिस है, डिस्पर्जन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये सब के सब आपका बेसिकली मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ही ये टॉपिक आपका आता है। और इसके अलावा आपका जो एक अलग यूनिट है वो इंडेक्स नंबर का आ जाता है सेकंड, उसके बाद आपका कोरिलेशन रिग्रेशन आ जाता है थर्ड, और प्रोबेबिलिटी आ जाता है आपके पास में। तो ये कुछ मिला करके आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो सीरीज चल रही है। अब वो फर्स्ट क्वेश्चन की सीरीज एंड होने वाली है, जो कि एक से दो क्लासेस के अंदर, और हम इसको एंड करेंगे। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे, देन थर्ड की चलाएंगे, फोर्थ की चलाएंगे एंड फिफ्थ की चलाएंगे। तो पांच क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे हैं, और बाकी टॉपिक वाइज कंटेंट और कंटेंट आपको ऑलरेडी पूरे का पूरा आपको वो आपके कंटेंट में है डाला हुआ, जिसको आप ब्रीफली अपने देख सकते हैं। आप बच्चे थोड़ा सा कमेंट करके कम्युनिकेट करें, मैं आपके हैंड राइज आप करेंगे वो मैं पिक नहीं कर पाऊंगा, आप कमेंट करके बताएं जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है बच्चे, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चे, अपने आप कंटेंट को और अच्छे तरीके से हम चैप्टर वाइज सीक्वेंस में मैं लगा रहा हूं, जिससे अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्लियर है? हाँ जी बच्चे, देखें, द सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 300। तो आपके पास में यहाँ पे एन क्या ये बने, एन इक्वल्स टू 20 है। द सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 300 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 5000। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गिवन फर्दर दैट मीडियन इज 15। तो मीडियन आपको गिवन है 15। पूरा मॉडरेटली ये सेकेंड पार्ट है, पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। फर्स्ट पार्ट आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में बच्चा आपके कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस। कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। क्लियर है? स्टैंडर्ड डेविएशन की रिक्वायरमेंट आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन हाँ जी, देखेंगे सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। अब आपके पास में क्या कह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन, द सम ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या आपके पास में बेसिकली एन इक्वल्स टू 20 है, एंड सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, तो समीशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास में 300 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 5000, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 5000, तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5000। क्लियर है? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस। अब आप यहां देखेंगे, अगर आपके पास में, आप मीन भी यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली। मीन बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है मीन का? समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, और समीशन ऑफ एक्स के आपके पास में 300 और एन आपके पास में 20 है, एंड मीन आपका क्या आया बच्चे? मीन आपका 15 आया, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं आप। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी आपके पास में है, समीशन एक्स स्क्वायर 5000 अपॉन एन, एन 20 है बच्चे, माइनस समीशन एक्स 300 अपॉन एन 20
का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे 250 माइनस 15 225, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू दिस वन 250 माइनस 225 25 एंड अंडर रूट ऑफ 25 इज 5। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास फॉर्मूला क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो सॉल्व करेंगे 33.33%। तो ये आपके पास में क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्लियर है? कमेंट करके आप डाउट पूछे बाकी बच्चे। डन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का टॉपिक आपके पास में, आपने डिस्पर्जन के चैप्टर में डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन है। यहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं यहां पर? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है? 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड 3 मीन ऑलरेडी आपके पास में क्या है? 15 है। एंड मीडियन आपको गिवन है, मीन आपका 15, मीडियन भी आपका, तो 0 आपका आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आपने निकाला है? 5। इक्वल्स टू 0। क्लियर है बच्चे? डन। और जो बच्चे हैं आप अपने बारे में बताएं जरा कि कब से कंटेंट में आप लोगों ने ज्वाइनिंग की है और कंटेंट को आप किस ऑर्डर में आप लोग स्टडी कर रहे हैं, जरा अपने बारे में आप बताएंगे मुझे। कंटेंट के बारे में बताओ बच्चों। सेकेंड पार्ट सॉल्व करें बच्चे। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? फॉर द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मोड एक्सीड मीन बाय 15। मीन से 15 एक्सीड है मोड। एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ द मीडियन इज, आपको मीडियन की वैल्यू एस्टिमेटेड करनी है। इफ द मीन इज नॉन टू बी 80, तो आपके से पार्ट टू के लिए क्या कह रहे हैं कि भैया आपका जो मीन है वो हम आपको गिवन दे रहे हैं वो 80। और मोड क्या कह रहा है? मोड के बारे में, मोड के बारे में ये कह रहा है कि मोड इज एक्सीड बाय 15। तो इससे 15 एक्सीड है तो मोड की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 95। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। क्लियर है? अब बच्चे मीडियन की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में स्ट्रक्चर क्या है? मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3। ये रिलेशन है मीन मीडियन मोड में, 3 मीन माइनस मीडियन। हमेशा ध्यान रखना मीन मीडियन मोड का रिलेशन ये रहता है। तो
तो तीन चीजें हैं, मीन मीडियन मोड, तीन में से अगर दो आपके पास में है तो आप जो मिसिंग है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन से। ये सारी चीजें क्या है बच्चे, आपको यूनिट वाइज चैप्टर में पढ़ाया गया तब आपको अच्छे से क्लियर है। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है आपको। मीन क्या आपके पास में 80 एंड मोड क्या आपका 95.3 एंड मीन क्या आपके पास में 80 माइनस मीडियन आपके माइनस 15 अपॉन 3 इक्वल्स टू 80 माइनस मीडियन 5 माइनस 5 एंड माइनस 80 इक्वल्स टू माइनस मीडियन माइनस 85 इक्वल्स टू माइनस मीडियन। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चे और मीडियन इक्वल्स टू क्या आपका आ गया 85। क्लियर है? तो पार्ट टू अभी आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपने पार्ट वन और पार्ट टू अपने क्वेश्चंस के आपने सॉल्व कर लिए हैं। कल मैं मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों की लूँगा जिसमें कि मैं आगे इस टॉपिक को भी कवर कर करके और क्वेश्चन फर्स्ट से रिलेटेड जो आपके क्वारीज थे उसको मैं यहाँ पर वाइंड अप करूँगा, देन क्वेश्चन नंबर टू को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है? तो हमारा सीरीज कौन सा चल रहा है? सिलेबस आपका ऑलरेडी डन है, कंटेंट में अपडेट है, सारी लेटेस्ट वीडियो है, सारा के सारा आपको सीक्वेंस में है। एक बार आप कंटेंट में जाकर देखें, उससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। डायरेक्ट आप इस लाइव क्लास को पकड़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले उस टॉपिक को कवर करो आप। दूसरी चीज़ क्या है कि लाइव क्लास में क्या चल रहा है, आपके फाइव क्वेश्चंस होते हैं ना पेपर में, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके हैं पिछले 5 सालों में क्या क्या आया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और किस यूनिट से आया है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की सीरीज कल एंड हो जाएगी, देन क्वेश्चन नंबर टू कैसा आता है उसकी सीरीज, तो 5 क्वेश्चन मैं आपका ऐसा करवा दूंगा। लास्ट मोमेंट पे आपको ये 5 क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो इसमें से ही आपका जो है 60-70% कोर्स सिर्फ यहीं से कवर हो जाता है पूरे कंटेंट को। लेकिन अगर पूरा कंटेंट करते हैं तो 100% आप स्कोर करेंगे। कोई डाउट है तो बच्चे पूछिए।